हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस, विच इज़ द फर्स्ट मेंडल लॉ। ओके, सो लाइक इन द अवर लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द मेंडल एंड हिज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो टुडे वी विल डिस्कस द मेंडल फर्स्ट लॉ एंड वॉट इज द नेम ऑफ मेंडल फर्स्ट लॉ। इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, सो हम लोग आज देखेंगे मेंडल का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लाइव वीडियो, अब हमारा वीडियो। ओके, तो चलिए, तो जैसे कि नाम से लग रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, तो इसमें क्या आपको देखने पे लग रहा है? अगर आप लॉ ऑफ डोमिनेंस को पढ़ लें तो आपको लग रहा है कि इसमें जो है कोई भी जो एलील है वो क्या है, वो डोमिनेंट हो सकती है या वो डोमिनेंट है, जिसकी वजह से जो इसका नाम है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस रखा गया है। या हम कह सकते हैं कि जो जनरेशन टू जनरेशन जो एलील से या है वो अगर पास हो रही है तो उसमें से कोई एलील है वो डोमिनेट कर रही है। ठीक है, उस एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को। ठीक है, अगर वो डोमिनेट कर ले उस पार्टिकुलर कैरेक्टर को, इसीलिए जो नेक्स्ट जनरेशन में चाहे वो F1 हो चाहे वो F2 हो, उसमें जो प्लांट्स हैं वो उस पार्टिकुलर कैरेक्टर के हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं उस पार्टिकुलर ट्रेट के हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट, तो इस वीडियो को और इस लॉ ऑफ डोमिनेंस को अगर हम स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इस जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट टर्म्स अगर आपको पता होंगे, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होगा, तो आप जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसे बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पहला टर्म है वो क्या है, फैक्टर। ओके, तो ये फैक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो जैसा कि मेंडल ने जब ये जो पी प्लांट पे अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, उस टाइम पे जो जीन है उसका डिस्कवरी नहीं हुआ था। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ही पुराने टाइम पे 18 में, लाइक 1822 टू 1884 के बीच उन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उस एक्सपेरिमेंट में उस टाइम पे जीन की जो डिस्कवरी वो नहीं हुई थी। ठीक है, तब उन्होंने क्या किया कि ये जो पार्टिकुलर ट्रेट जो अपीयर हो रही थी F1 जनरेशन में या F2 जनरेशन में, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? तो उन्होंने क्या किया कि कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जीन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो मेंडल ने क्या सोचा कि मे बी देयर आर सम फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ दीज दोज स्पेसिफिक पार्टिकुलर ट्रेट। ओके, तब उन्होंने उस ट्रेट्स को, या हम बोल सकते हैं उसे फैक्टर टर्म दे दिया था। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि कुछ फैक्टर्स हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ पार्टिकुलर ट्रेट। लेकिन अब क्या हुआ, अगर इन्हीं फैक्टर को हम लोग मॉडर्न टर्म में नाम दें तो मॉडर्न टर्म में हम लोग इसे क्या बोलेंगे, इसे जीन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना डिस्कवरी हो चुका है, इतना साइंस जो है वो आगे पहुंच चुका है कि अब हम लोग ने उस फैक्टर्स को जो मेंडल्स ने 19th सेंचुरी में दिया था, अब हम लोग ने उसे क्या टर्म दे दिया है, जीन। ओके, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होगी, तो दीज फैक्टर्स एंड जीन दे आर द सेम थिंग। वॉट दे आर सेम थिंग। ओके, एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ पार्टिकुलर ट्रेट। ओके, तो दीज जीन्स और फैक्टर बोथ आर द सेम थिंग एंड दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ पार्टिकुलर ट्रेट। ओके, अब बात क्या आती है कि ये जीन्स होते हैं ये कैसे अकर करते हैं या किस फॉर्म में अकर करते हैं। ठीक है, तो जीन हमेशा, ओके, इट विल अकर इन अ मिनिमम टू कॉपीज। ओके, तो जीन होगी वो हमेशा पेयर में होगी, या हम कह सकते हैं इट शुड हैव मिनिमम टू कॉपीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कैपिटल टी देखें, ठीक है, तो इसमें क्या है, जो जीन है इसका एक पेयर है। ठीक है, यानी इसमें दो कॉपी हैं। ठीक है, यानी इसमें टू एलील्स हैं, इट इज हैविंग टू एलील्स। अंडरस्टूड? तो ये जीन क्या होते हैं, इट शुड हैव मिनिमम टू कॉपीज ऑफ द ट्रेट। ओके, एंड दीज जीन दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ पार्टिकुलर ट्रेट। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज एलील्स? ओके, अब बात कर ले हम लोग एलील्स की। तो एलील्स क्या होते हैं, दीज एलील्स इज वन ऑफ द जीन पेयर। ठीक
ठीक है, ये एक जीन पेयर हो गया आपका। इसमें से जो एक कैपिटल टी अगर मान ले तो ये क्या होगी, एक सिंगल एलील। ठीक है, तो एक जीन पेयर में टू एलील होती हैं। ओके, तो इट इज वन ऑफ द जीन पेयर्स एंड अपीयर एट अ पार्टिकुलर लोकेशन, पार्टिकुलर लोकेशन ऑन अ पार्टिकुलर क्रोमोसोम, पार्टिकुलर क्रोमोसोम एंड परफॉर्म सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। ओके, तो एलील्स का भी आपको मतलब समझ में आ गया। तो एलील्स क्या है, इट इज वन ऑफ द जीन पेयर। अगर ये जीन पेयर किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर का है, सपोज ये हाइट का कैरेक्टर का ये जीन पेयर है, तो इसमें से जो एक सिंगल जो एलील है या सिंगल जो कैपिटल टी है वो क्या हो गया, वो एक एलील हो गया। एंड दीज एलील आर आल्सो कॉल्ड एलीलोमॉर्फ्स, एलीलोमॉर्फ्स आल्सो। ओके, तो कोई भी जीन पेयर में जो एलील है, इट इज वन ऑफ द जीन पेयर एंड दीज एलील दे अपीयर एट अ पार्टिकुलर लोकेशन ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, अगर कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, तो कोई ये पार्टिकुलर लोकेशन पे भी ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब इस क्रोमोसोम में जो एक भी हो सकती, दो भी हो सकती, मल्टीपल भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये एलील क्या होती हैं, दे आर लोकेटेड और दे अपीयर एट अ पार्टिकुलर क्रोमोसोम, और वी कैन से एट अ पार्टिकुलर लोकेशन ऑफ अ क्रोमोसोम। ओके, एंड परफॉर्म द सेम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स जीन एलील्स। ओके, अब हम बात करें मेंडल की, तो उन्होंने क्या किया था कि पी प्लांट पे अपने सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, मैंने जैसा कि मैंने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम लोग अगर देखें, अगर हम लोग एक हाइट का करेक्टर ले लें, ठीक है, सपोज अगर हम लोगों ने क्या लिया, हाइट, तो ये हाइट ले लिया हाइट का करेक्टर। ठीक है, तो ये क्या हुआ हाइट, तो ये एक टाइप का करेक्टर है। ठीक है, वॉट इज दिस, दिस इज अ टाइप ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब हाइट का लिया है तो प्लांट क्या हो सकता है, या तो टॉल होगा या डॉर्फ होगा। ठीक है, तो दिस आल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड, तो वेदर इट विल बी टॉल और इट मे बी डॉर्फ। ठीक है, अब ये टॉल और डॉर्फ क्या हो गए, ये दो ट्रेट्स हो गई, तो दीज आर टू ट्रेट्स, टू ट्रेट्स। ओके, अब हम बात करें कि टॉल कब होंगे प्लांट, प्लांट टॉल कब होगा, तो इसके लिए सिर्फ दो कंडीशन है। ठीक है, आपको टू कंडीशन यू हैव टू कीप इन माइंड, वेन द जीनोटाइप विल बी कैपिटल टी, और वी कैन से जीन पेयर विल बी कैपिटल टी, देन द प्लांट विल बी टॉल। अदर कंडीशन क्या होगी, वेन द प्लांट, वेन द जीन पेयर विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी, मीन्स एक एलील कैपिटल टी है, एक एलील स्मॉल टी है, तो ये क्या हो गया, एक ये कंडीशन होगी। तो दीज आर द टू कंडीशन, इफ दिस कंडीशन आर प्रेजेंट देन द प्लांट विल बी टॉल। अब बात करें डॉर्फ की, तो डॉर्फ में क्या होगा, If there is small t present, then the plant will be dwarf. Okay, understood na? So if we take the height character, then in the height character, there will be two traits. First one is tall and the second one is dwarf. Okay, so when the plant will be tall, when the gene pair will be capital T or capital T small t, then the plant will be tall. When the plant will be dwarf, when there will be a small t gene pair is present, then the plant will be dwarf. ओके, तो दीज आर सम बेसिक अबाउट द जेनेटिक्स, एंड दिस यू शुड कीप इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग दिस लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, तो आई होप यू पीपल हैव क्लियर अबाउट ऑल दीज टर्म्स। नाउ वी विल स्टार्ट, और वी कैन से वी विल लर्न दिस लॉ ऑफ डोमिनेंस, बिकॉज फॉर दिस दीज टर्म्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट।
ओके सो नाउ वी डिस्कस द लॉ ऑफ डोमिनेंस. एज द नेम इंडिकेट लॉ ऑफ डोमिनेंस मींस हियर व्हाट हैपन देयर विल बी अ सम जीन पेयर और वी कैन से सेम एलील व्हिच विल बी अ डोमिनेंट इन नेचर. ओके तो बिकॉज ऑफ दैट द प्लांट विच एपेयर इन द F1 जनरेशन और F2 जनरेशन दे विल बी टॉल. सो दैट वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ओके तो हम लोग इसे कैसे समझेंगे, हम लोग एग्जाम्पल लेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का. ठीक है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल लेंगे. तो इफ यू सी द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सो फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ओके तो हेयर वॉट विल टेक, वी विल टेक ओनली वन कैरेक्टर. ओके वॉट विल टेक ओनली वन कैरेक्टर एंड देन वी विल क्रॉस बिटवीन देम एंड देन वी विल सी दैट इन F1 जनरेशन F2 जनरेशन वॉट विल द प्लांट फेनोटिपिक. ओके लाइक वेदर द प्लांट विल बी अ टॉल ड्वार्फ लाइक दैट. विद द हेल्प ऑफ दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस वी विल लर्न द लॉ ऑफ डोमिनेंस. ओके सो लेट अस टेक वन एग्जाम्पल. सो वी विल टेक द प्योर टॉल प्लांट एंड देन वी विल क्रॉस इट विद प्योर ड्वार्फ प्लांट. ओके तो हेयर दिस इज अ प्योर टॉल प्लांट बिकॉज हेयर द एलील्स बोथ द जीन पेयर्स. ओके तो कैपिटल टी इज प्रेजेंट तो इट विल बी अ प्योर टॉल. तो इट वी कैन राइट ऑल्सो नो प्रॉब्लम. तो हेयर वी कैन राइट प्योर टॉल. ओके एंड द सेकेंड वन इज इट स्मॉल टी मीन्स इट इज प्योर ड्वार्फ. तो इट विल बी अ प्योर ड्वार्फ. सो लेट्स क्रॉस इट एंड सी वॉट विल हैपन इन द F1 जनरेशन. ओके तो इफ यू क्रॉस इट देन वॉट विल फाउंड दैट इन द F1 जनरेशन द प्लांट विल बी अ टॉल एंड द जीनोटाइप विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी. ओके तो दिस वी कैन अंडरस्टैंड विद क्रॉस ऑल्सो. तो सपोज दिस अ कैपिटल टी स्मॉल टी देन कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी देन अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी. ओके तो इन F1 जनरेशन हाउ मेनी प्लांट्स यू गॉट, तो वी गॉट 4 प्लांट्स. तो F1 जनरेशन वी गॉट 4 प्लांट्स. ओके अब बात इसमें देखने वाली ये है कि जो हमें 4 प्लांट मिले F1 जनरेशन में तो सारे जो प्लांट हैं वो टॉल है. ठीक है अब मेंडल ने देखा कि ऐसा कैसे हुआ कि F1 जनरेशन में जो प्लांट्स हैं वो टॉल क्यों निकले, उसमें से एक भी प्लांट ऐसा क्यों नहीं आया कि वो ड्वार्फ हो या छोटा हो. तब उन्होंने सोचा कि चलो अब हम ऐसा करते हैं कि F1 जनरेशन का जो प्लांट है उसे लेते हैं और उसे हम लोग क्रॉस कराते हैं, उसका हम लोग सेल्फ पॉलिनेट कराते हैं, तब देखते हैं जो आने वाली F2 जनरेशन है उसमें जो प्लांट होंगे उसमें क्या कोई ड्वार्फ प्लांट आ सकता है कि नहीं. ठीक है तो उन्होंने क्या देखा, अब अगर हम लोग F1 जनरेशन में देखें तो देखिए ये भी टॉल निकलेगा क्योंकि इसमें क्या है कैपिटल टी एलील प्रेजेंट है वो डोमिनेंट है. ठीक है दूसरा देखिए तो ये भी टॉल है, तीसरा भी टॉल है, चौथा भी टॉल है. ठीक है तो रेशियो अगर हम देखें टॉल एंड ड्वार्फ का तो इफ यू सी दैट रेशियो देन व्हाट विल फाउंड 4:0. इफ यू सी दैट टॉल एंड ड्वार्फ रेशियो तो व्हाट विल फाउंड, विल फाउंड 4:1. ओके तो अब इसे अगर हम लोग और हम लोग अगर क्लियर देखें तो क्या होगा, अगर हम लोग देखें इसमें होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्वार्फ, हेटरोजाइगस टॉल, हेटरोजाइगस ड्वार्फ. ओके अगर हम ये 4 कंडीशन में देखें रेशियो तो हमें क्या रेशियो मिलेगा, आप देखिए होमोजाइगस टॉल मींस कहां पर दोनों एलील का कैपिटल टी प्रेजेंट है तब हम उसे बोलेंगे होमोजाइगस टॉल. देखिए तो जो 4 प्लांट हमें ऑब्टेन हुए उसमें से किसी प्लांट का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी नहीं है तो इसका मतलब ये कितना रहेगा 0 मींस हमें इसका कोई प्लांट नहीं मिला. अब वहीं देखिए होमोजाइगस ड्वार्फ तो F1 जनरेशन में कोई होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट ही नहीं मिला हम लोग को तो इसका भी क्या हो जाएगा 0. अब हम देखें हेटरोजाइगस टॉल तो हेटरोजाइगस मतलब व्हेन देयर विल बी अ डिफरेंट एलील्स विल बी प्रेजेंट तो कैपिटल टी स्मॉल टी देखिए इसमें भी वही है, इसमें भी यानी कि ऑल द 4 प्लांट विच वी गॉट ऑल इज हैविंग द हेटरोजाइगस जीन पेयर. ओके तो इसका मतलब कितने प्लांट हैं 4, तो हमें 4 प्लांट मिले हेटरोजाइगस टॉल. अब नेक्स्ट देखते हैं हेटरोजाइगस ड्वार्फ तो हेटरोजाइगस ड्वार्फ में क्या है कोई भी प्लांट नहीं है ड्वार्फ तो कोई भी प्लांट आया ही नहीं है F1 जनरेशन में तो भी क्या हो गया 0. तो हमें रेशियो क्या मिल जाएगा टॉल ड्वार्फ का, ये मिल जाएगा 4:0. ओके सो ये हो गया F1 जनरेशन में. अब इसी को हम लोग क्या करते हैं जो F1 जनरेशन प्लांट आए हैं उसे हम लोग सेल्फ पॉलिनेट करके देखते हैं कि F2 जनरेशन में जो रेशियो है वो क्या आता है. ठीक है तो चलिए वो भी देख लेते हैं.
तो हम क्या करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी को सेल्फ पॉलिनेट कर देंगे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, देन वी विल सेल्फ पॉलिनेट विद कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, तो वी हैव सेल्फ पॉलिनेटेड, लेट्स सी व्हाट जीनोटाइप वी विल गेट। ओके, तो व्हाट वी विल गेट, कैपिटल टी कैपिटल टी, देन कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ओके, तो इन F2 जनरेशन व्हाट विल गो, दीज आर द F2 जनरेशन प्लांट्स, F2 जनरेशन। ओके, अब क्या हुआ, मेंडल ने देखा कि अरे जब हमने F1 जनरेशन के प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट किया तो हमें F2 जनरेशन में एक ड्वार्फ प्लांट मिल गया, ऐसा कैसे हुआ। तो ये क्या है, ये टॉल है, ये भी टॉल रहेगा, ये भी टॉल है, ये ड्वार्फ हो गया। अब मेंडल ने सोचा ये कैसे हुआ कि हमें जो F2 जनरेशन में प्लांट है वो ड्वार्फ मिल गया। ठीक है, इसका मतलब क्या उन्होंने बोला, उन्होंने बोला कि जो कैपिटल टी जो एलील है ये डोमिनेंट है, ये क्या कर रही है, इट इज हाइडिंग द इफेक्ट ऑफ द ड्वार्फ जीन। ओके, इट इज कंप्लीटली हाइडिंग और मास्किंग द इफेक्ट ऑफ द ड्वार्फ जीन, और वी कैन से द अदर एलील। ओके, तो ये कैपिटल टी जो एलील है ये क्या कर रही है, इट इज हाइडिंग और मास्किंग द इफेक्ट ऑफ द स्मॉल टी एलील। तो ये कैपिटल टी क्या हो रहा है, ये जो एलील है ये कॉन्टिन्यूसली एक्सप्रेस हो रही है हर जनरेशन में, ठीक है, लेकिन जो स्मॉल टी एलील है ये क्या है, ये हर जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो रही है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने क्या बोला, जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट है, यानी ये डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेट कर रही है स्मॉल टी एलील पे। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका रेशियो देखें तो अगर इसका जीनोटिपिक रेशियो में क्या मिलेगा, देखिए अगर हम लोग देखें होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल, देन हेटरोजाइगस टॉल, हेटरोजाइगस टॉल, देन होमोजाइगस ड्वार्फ एंड हेटरोजाइगस ड्वार्फ, तो हम लोग फोर कंडीशन देखेंगे कि इसमें जो जीनोटिपिक रेशियो है वो क्या आया। तो देखिए अब सबसे पहले देखते हैं होमोजाइगस टॉल, यानी कि व्हेन द जीन पेयर विल बी हैविंग द सेम एलील। ओके, तो इसमें देखिए पहला वाला केस में क्या है, दोनों एलील सेम है, यानी ये क्या हो गया, होमोजाइगस टॉल। तो इसे लिख लेते हैं, कितने प्लांट हैं, एक ही प्लांट है, तो इट विल बी अ वन। नेक्स्ट होमोजाइगस टॉल, हेटरोजाइगस टॉल, ठीक है। अब हेटरोजाइगस मतलब जब दो एलील डिफरेंट डिफरेंट हो, तो इसमें देखिए एक ये केस हो गया, एक ये केस हो गया, यानी दो प्लांट जो F2 जनरेशन में आए उसका जो वो हेटरोजाइगस टॉल हुए, ठीक है, टू हो गया। नेक्स्ट देखते होमोजाइगस ड्वार्फ, ठीक है, यानी कि जो ड्वार्फ प्लांट आया उसका जो जीन पेयर है वो क्या है, मतलब कि वेदर इट इज हैविंग द सेम एलील और डिफरेंट एलील। तो इसमें देखिए सेम एलील है, ये क्या हो गया, होमोजाइगस ड्वार्फ हो गया, तो ये कितना आया, वन। ठीक है, नेक्स्ट हेटरोजाइगस ड्वार्फ, अब आपको देखना है हेटरोजाइगस ड्वार्फ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, जो कैपिटल टी एलील है ये डोमिनेट कर रही है। ठीक है, अगर हेटरोजाइगस ड्वार्फ आएगा तो मतलब यहाँ पे कैपिटल टी आएगा, कैपिटल टी आएगा तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तो आपका हेटरोजाइगस टॉल, तो इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको रेशियो क्या मिला, 1:2, 2:1। ठीक है, अब F2 जनरेशन में आपको फोर प्लांट टोटल मिले, आउट ऑफ दिस फोर प्लांट्स वन विल बी होमोजाइगस टॉल, टू विल बी हेटरोजाइगस टॉल, एंड वन विल बी होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ। ओके, तो आपको रेशियो मिला 1:2:1। तो इसी चीज़ को मेंडल ने देखा और मेंडल ने बोला कि ये जो कैपिटल टी जो एलील है, ओके, इट इज डोमिनेंट इन नेचर एंड इट इज मास्किंग और हाइडिंग द इफेक्ट ऑफ द अदर एलील, दैट इज स्मॉल टी। ओके, सो कंडीशन क्या उन्होंने बताई, इसका उन्होंने कंडीशन बताई, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, तो थ्री कंडीशन उन्होंने देखी और बताया, अगर कैपिटल टी है तो इट इज अ प्योर, ओके, प्योर कैरेक्टर फॉर टॉलनेस, तो ओके, तो द प्लांट विल बी अ टॉल। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसमें क्या है, कैपिटल टी क्या कर रहा है, दिस कैपिटल टी एलील इट इज डोमिनेटिंग ओवर स्मॉल टी एलील, ओके, स्टिल द प्लांट विल बी टॉल इन नेचर। ओके, नाउ द थर्ड जीनोटाइप व्हाट ही फाउंड, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इन्होंने क्या बताया, अगर स्मॉल टी प्रेजेंट होगा तब जो प्लांट होगा वो एक्सप्रेस नहीं होगा, यानी जो प्लांट है वो ड्वार्फ प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो प्लांट कैसा होगा, ड्वार्फ हो जाएगा, ठीक है, अगर स्मॉल टी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन्होंने ये तीनों जो मेन जीनोटाइप को देखा और बताया कि F2 जनरेशन में क्या हो रहा है, कि जो कैपिटल टी एलील है जैसे कि वो डोमिनेट कर रही है और उसका वो क्या कह रही है, इट इज हाइडिंग और मास्किंग द इफेक्ट ऑफ द स्मॉल टी एलील। ओके, बिकॉज ऑफ दैट दिस कैपिटल टी इट इज एक्सप्रेसिंग इन एवरी जनरेशन, इट इज नॉट स्किपिंग द जनरेशन, बट दिस स्मॉल टी
इट कैन स्किप इन द जनरेशन. ओके द प्योर स्मॉल टी इट इज स्किपिंग बिकॉज ऑफ दैट इन एफ टू इन एफ वन जनरेशन वी डिडंट फाइंड एनी डॉर्फ प्लांट बट वेन वी फर्दर सेल्फ पॉलिनेट द एफ वन प्लांट देन वी फाउंड देर इज अ वन प्लांट विद हैविंग द जीनोटाइप स्मॉल टी. ओके तो दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस विच मेंडल हैव गिवन. ओके सो आई होप कि आपको ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये अच्छे समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू लॉ ऑफ डोमिनेंस से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ओके सो यहीं पे मेरा वीडियो जो है वो समाप्त होता है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल को प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे. तो चलिए हम अपना ये वीडियो जो है यहीं पे फिनिश करते हैं. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. सो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के ऊपर. तो हम लोग समझेंगे डिटेल में कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो कैसे वर्क करता है. क्लियर. ओके बाय टेक केयर सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.